हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट सैलेश में। फ्रेंड, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आप जो है अपने राशन कार्ड को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको अपने राशन कार्ड को डाउनलोड करना नहीं आता, आपको अर्जेंट में कहीं पर राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो आप जो है राशन कार्ड को बहुत ही आसानी के साथ अपने मोबाइल फ़ोन से ही डाउनलोड करके अपने काम में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊँगा कि आपको किस तरह से आपको अपना राशन कार्ड नंबर फाइंड करना है और आप पूरे कार्ड को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड, आप जो है सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन, अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी दोस्तों, तो आपको सबसे पहले गूगल में आकर के यहाँ पे आपको टाइप करना राशन कार्ड। आप जैसे राशन कार्ड टाइप करेंगे फ्रेंड, आपके सामने देखिए इस तरह की राशन कार्ड डिजिटाइजेशन वाला ऑप्शन आएगा। आपको सिंपल से इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। इस पर आने के बाद मैं आपको उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ, आप किसी भी स्टेट से देख रहे हैं दोस्तों, तो आप बहुत ही आसानी के साथ अपने स्टेट की जो है वेबसाइट सर्च करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा राशन कार्ड, एमपी राशन कार्ड, यूपी राशन कार्ड दे ली, आपको राशन कार्ड की वेबसाइट पे मिल जाएगी। फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको यूपी के दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर देखिए इस पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना ज़िला ले लेता, मेरे ज़िला जो है मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर देखिए दो तरह के ऑप्शन आएंगे। एक तो देखिए नगरीय क्षेत्र आएगा, और आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रामीण क्षेत्र इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि आप नगरीय क्षेत्र से हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हैं। तो जैसे कि देखिए, अगर आप शहरी क्षेत्र से होंगे तो आप नगरीय क्षेत्र में होंगे, और अगर आप रूरल एरिया गाँव से होंगे तो आप ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो मैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र वाले ऑप्शन पर आऊँगा, और यहाँ नीचे में देखेंगे आप ब्लॉक का नाम दिया है। तो सबसे पहले आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप नगरी एरिया से होंगे तो आपको यहाँ पर टाउन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ से अपना टाउन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपके सामने ग्राम पंचायत का ऑप्शन आएगा। तो अब यहाँ से आप सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत को इसमें सेलेक्ट करेंगे, आप किस ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है। तो फिर क्लिक करने के बाद देखिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पर दुकानदार का नाम यानी कि आपके जो कोटेदार होंगे, जो राशन देते होंगे, उनका नाम आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे पात्र गृहस्थी एंड अंत्योदय वाला ऑप्शन मिलेगा। ये दोस्तों आपको समझना होगा कि आपका कार्ड पात्र गृहस्थी कार्ड है या फिर अंत्योदय कार्ड है। पात्र गृहस्थी यानी एपीएल कार्ड होता है तो सफ़ेद राशन कार्ड होता है, और अंत्योदय कार्ड जो लाल वाला बीपीएल कार्ड होता है उसको अंत्योदय कार्ड बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होगा। तो मेरा जो यहाँ पर पात्र गृहस्थी वाला, तो मैं पात्र गृहस्थी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके गाँव में इस कैटेगरी में जितने लोगों का राशन कार्ड बना होगा, उनका यहाँ पर राशन कार्ड नंबर, उनका नाम, उनके पिता या पति का नाम, माता का नाम, उनके राशन कार्ड में कितने यूनिट्स है वो सब आ जाएगी, और उनका राशन कार्ड कब बना था ये सब जो है आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले देखिए धारक वाला जो नाम दिखाई दे रहा है, आपको सबसे पहले इस वाले नाम में अपना जो नाम सेलेक्ट करना है, खोजना है कि आपका कौन सा नाम है। यानी कि अगर राशन कार्ड वैसे महिला के नाम पे होता है तो आप जो जिसका भी चेक करें उनका नाम आपको इसमें चेक करना है। मैं अब देखिए राशन कार्ड धारक में आ गया, तो उनका जो है नाम आपको चेक करना है। फ्रेंड, आप इसको इस तरह से स्क्रॉल करते आएंगे, नाम पढ़ेंगे, इनके फादर या पति का नाम पढ़ेंगे, इसके बाद राशन कार्ड नंबर यहाँ पर देखिए इस तरह से मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए मैं देखिए मैं एक राशन कार्ड पर क्लिक कर लेता हूँ। आप जैसे राशन कार्ड पर क्लिक करेंगे आप यहां पे इस राशन कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहां पे देखिए राशन कार्ड नंबर है, राशन कार्ड का प्रकार कौन सा है, यहां पे कोटेदार का नाम आ गया, उनके दुकान का नाम आ गया, नंबर आ गया, और यहां से जिसका भी राशन कार्ड है उनका भी क्या नाम है, यहां पे नाम देख सकते हैं, उनके पति का या पिता का नाम क्या है, उनकी माता का नाम क्या है, इनके राशन कार्ड में कितने यूनिट्स है, ये सब यहाँ पर शो हो जाएगी, और इनके राशन कार्ड से कितने लोग, मतलब यूनिट 5 है, उन सभी 5 लोगों का नाम यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में दोस्तों ऑनलाइन वाली लिस्ट में जितने लोगों का नाम शो होगा इन्हीं लोगों का जो है राशन मिलता होगा। तो इस तरह से आप जो है अपने राशन कार्ड को बहुत ही आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे, प्रिंट करवा कर आप इसको रख सकते हैं। ये आपका राशन कार्ड हर जगह यूज होगा, हर जगह मान्य होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।